नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लांट किंगडम के सबसे प्रिमिटिव ग्रुप एल्गी की विभिन्न टॉपिक्स की श्रृंखला में जो हमने पूर्व में पढ़े हैं, हैबिट्स, हैबिटेट, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, इसी की श्रृंखला में अब हम आज डिस्कस करेंगे एल्गी से संबंधित दो ऐसे जेनेरा के बारे में जिनकी लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड है और साथ में बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। ये हमें इन दो जेनेरा के बारे में आज डिस्कस करने के बाद ये पता चलेगा कि इतने छोटे प्लांट्स होने के बावजूद भी इनकी लाइफ साइकिल में इतना विस्तृत स्टेजेस हैं जो कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि इन पौधों में इतनी तरह की स्टेजेस भी होती होंगी। तो इन दो जेनेरा के की श्रृंखला में सबसे पहले हम एक जीनस उडोगोनियम को ले रहे हैं जो कि फिलामेंटस एल्गा है। इससे पहले हमने हैबिट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि एक तरह की हैबिट एल्गी की फिलामेंटस हैबिट भी है, जिसमें कि प्लांट बॉडी एक थ्रेड के तरह से होती है, या तो वो ब्रांच्ड होता है या अनब्रांच्ड होता है। उडोगोनियम जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गा है, और इसका ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये लाइफ साइकिल में इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सेल डिवीजन होता है और दो तरह की इसमें स्पीसीज होती हैं, मैक्रेंड्रस और नेनेंड्रस स्पीसीज। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है लाइफ साइकिल में। मेल फिलामेंट एक में ड्वार्फ होता है जो कि नेनेंड्रस स्पीसीज में है, जिसको हम नेनेंड्रियम कहते हैं, और दूसरा जो मैक्रेंड्रस स्पीसीज है उसमें जो मेल फिलामेंट है वो नॉर्मल फिलामेंट में ही बनता है। इस वजह से ये बड़ा इंटरेस्टिंग जीनस है जिसमें कि हमें फिलामेंट को हम देखने से ही पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें कैप सेल्स होती हैं और जो सेल्स इसकी हैं वो इलोंगेटेड हैं, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से ज्यादा होती है, और ये जनरली फ्रेश वाटर एल्गा है। इसकी कुछ स्पीसीज अटैच्ड होती हैं रॉक्स के ऊपर या इपिफिटिक फॉर्म में रहती हैं। इपिफिटिक का मतलब है कि किसी और प्लांट के ऊपर इनकी ग्रोथ होती है। उडोगोनियम जिसको हमने आज सेलेक्ट किया है इसकी लाइफ साइकिल के लिए, ये आपको मालूम है कि ये क्लोरोफाइटा ग्रुप में को बिलोंग करता है। क्लोरोफाइटा वो एल्गी हैं जो कि जिनको हम कॉमनली ग्रीन एल्गी कहते हैं। ग्रीन एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पिछले बार हमने डिस्कस किए थे, जो कि इसमें क्लोरोफिल ए यूनिवर्सली प्रेजेंट है, उसके अलावा क्लोरोफिल बी है, और ये ग्रीन कलर की क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट बहुत आयत में मिलता है इसलिए ये ग्रीन कलर की दिखाई पड़ती है। क्लोरोफाइटा इसका डिविजन है, क्लास इसका क्लोरोफाइसी है, ऑर्डर उडोगोनियस, फैमिली उडोगोनियसी एंड जीनस इज उडोगोनियम। एक जीनस उडोगोनियम की कई सारी स्पीसीज हो सकती हैं, वो अलग अलग जगहों पर मिलती हैं। जनरली ये फ्रेश वाटर एल्गा है, फ्रेश वाटर से मतलब है पूल्स, पॉन्ड्स, डिचेस, रिवर्स या किसी भी रुके हुए पानी में, या कुछ स्पीसीज इसकी टेरेस्ट्रियल होती हैं जो कि इपिफिटिक फॉर्म में या लिथोफाइट के फॉर्म में रहती हैं। लिथोफाइट से मतलब है किसी रॉक के ऊपर ये अटैच्ड होता है, और अटैचमेंट के लिए इसमें ये ऑर्गन सबसे नीचे वाली सेल जो है ये होल्ड फास्ट कहलाती है, जो कि ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट है। इस ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट जो होल्ड फास्ट है इसके ऊपर एक के बाद एक कई सारी सेल्स लगी होती हैं जो आपको दिखाई पड़ रही हैं कलर्ड
कलर से दिखाई पड़ रही है। तो ये जो सेल्स हैं ये एक पूरा फिलामेंट बना देती है, और ये फिलामेंट इतना लंबा फिलामेंट होता है कि इसी के अंदर वो सेल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं और रिप्रोडक्शन में मदद करती हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन के बारे में हम बाद में आएंगे। ये जो आप फिलामेंट देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है इसको पहले डिस्कस करेंगे। हर सेल जो इसकी है वो एनलार्ज करके यहाँ पर बनाई गई है। हर सेल में सेल वॉल है। सेल वॉल इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स, तीन सेल की बनी है। सबसे बाहर की लेयर जो है ये आउटर मोस्ट लेयर जो है काइटिन है, मिडिल लेयर जो है पेक्टिन की बनी होती है, और इनर मोस्ट जो तीसरी वाली लेयर है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इसके अलावा इसमें ग्रीन कलर में आपको दिखाई पड़ रहा है रेटिकुलेट जालिकावत क्लोरोप्लास्ट होता है, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट है जो हरे रंग से आपको दिखाई पड़ रहा है। दूसरा इंटरेस्टिंग फीचर इसमें यह है कि ये क्लोरोप्लास्ट के ऊपर पायरेनॉइड्स नामक स्ट्रक्चर्स होते हैं। पायरेनॉइड्स का फंक्शन सब लोगों ने अलग अलग अपना विचार दिए हैं। पायरेनॉइड प्रोटीन बॉडी है सराउंडेड बाई स्टार्च शीट। तो ये रेड कलर से जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दे आर पायरेनॉइड्स। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्टोरेज का काम करते हैं, इसके अलावा फूड स्टोरेज का काम करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस इसमें बिस्किट शेप्ड पेराइटल न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस है। तो ये इसका सेल स्ट्रक्चर है। बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर इस पूरे फिलामेंट में आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये कैप लाइक स्ट्रक्चर, कैप सेल्स होती हैं इसमें, जिसमें कैप की तरह से स्ट्रक्चर होता है उस सेल को हम कैप सेल कहते हैं। तो ये फीचर आपको एल्गी के सिर्फ ओडोगोनियल्स ग्रुप में ही मिलता है, पर्टिकुलरली ओडोगोनियम में। इस वजह से इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए ये बहुत आसानी है, क्योंकि ये फिलामेंट में आपको स्थान स्थान पर कैप लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। कैप्स क्यों बन जाती हैं इसका हम उदाहरण यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस समय सेल डिवीजन होता है हर बार सेल डिवीजन के बाद एक कैप की तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसी वजह से ये जीनस बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें सिंपल सेल डिवीजन नहीं होता है, विशेष प्रकार का सेल डिवीजन है। तो सेल डिवीजन किस तरह से होता है ये हम यहाँ पर देख रहे हैं इन छह डायग्राम्स के माध्यम से। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं पहला वाला डायग्राम है, इसमें दो रिंग्स की तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है, जिस समय सेल डिवीजन होता है फिलामेंट तैयार होता है सेल डिवीजन के लिए, इसका नंबर इंक्रीज करने के लिए, फिलामेंट को साइज में बढ़ाने के लिए, इसकी इनर मोस्ट जो लेयर है सेल वॉल की जो कि सेलुलोज की बनी होती है इसमें थिकनिंग हो जाती है, बड लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। दोनों तरफ से आप आउटग्रोथ्स देख रहे हैं जिनको हम रिंग्स कहते हैं। ये रिंग्स साइज में बड़ी होती जाती है। दूसरे डायग्राम में आपने देखा ये छोटी थी, अब ये बड़ी हो गई है। बड़ी होने के बाद धीरे धीरे इसमें स्ट्रेचिंग शुरू हो जाती है, खिंचाव होता है, क्योंकि सेल्यूलोज में इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये आपस में ये जो दोनों रिंग्स हैं ये इनमें खिंचाव होता है इलास्टिसिटी होने की वजह से, इसमें स्ट्रेचिंग हो जाती है। एट द सेम टाइम जब जब इसमें स्ट्रेचिंग होती है न्यूक्लियस सेंटर में माइग्रेट हो जाता है। सेंटर में आने के बाद इस न्यूक्लियस में डिविजन होना शुरू हो जाता है। ये सिंगल न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाता है। जैसे दो में ये डिवाइड होता है ये इन दो न्यूक्लियाई के बीच में एक सेप्टम डेवलप हो जाता है। ग्रीन कलर से आपको सेप्टम दिखाई पड़ रहा है, ये सब स्टेजेस में सेप्टम आपको दिख रहा है। ये स्ट्रेचिंग जब होती है ये इस तरह से स्ट्रेचिंग होती है कि बाहर की जो दो लेयर्स हैं काइटिन और पेक्टिन की वो ब्रेक कर जाती हैं, क्योंकि उनमें इलास्टिसिटी नहीं होती है। इलास्टिसिटी नहीं होने की वजह से ये यहाँ पर ब्रेक कर गई, सिर्फ सेल्यूलोज की लेयर ही स्ट्रेच करके इलोंगेटेड हो जाएगी, लंबी हो जाती है, और यहाँ पर कुछ के रेमिनेंट्स रह जाते हैं। ये थोड़ा सा इसका हिस्सा यहाँ बचा रह जाता है जो कि कैप के फॉर्म में दिखाई पड़ता है। और ये सेल इलोंगेट होने के बाद आपको अगली स्टेज में दो में डिवाइड दिखाई पड़ेगी, एक न्यूक्लियस ऊपर चला गया एक न्यूक्लियस नीचे हो गया। तो जाहिर है कि यहाँ पर अगर हमने देखा कि ये स्ट्रेचिंग हुई सेल्यूलोज लेयर में और काइटिन और पेक्टिन की लेयर्स टूट गई, तो यहाँ पर ये सिर्फ सेल्यूलोज की लेयर रहेगी
लेकिन नीचे और ऊपर से फिर काइटिन और पैक्टिन उसमें डिपॉजिट होता रहता है और अल्टीमेटली दो सेल्स बन जाती हैं और ये कैप लाइक जो स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं ये इसके स्ट्रेचिंग के समय टूटने से काइटिन और पैक्टिन के रेमिनेंट्स हैं, काइटिन और पैक्टिन के बचे हुए हिस्से हैं जो कि हमें कैप के फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है ये इसका मतलब ये है कि अगर एक सेल में एक बार डिविजन हुआ है तो उसमें एक कैप बनेगी, अगर यही सेल फिर से डिवाइड करती है तो यही प्रोसेस फिर से रिपीट होती है, इसमें फिर इस तरह की रिंग्स बननी शुरू होंगी और वही प्रोसेस रिपीट होगी, दूसरी कैप बन जाएगी। तो जितनी कैप्स होती हैं उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इस सेल में कितने बार डिविजन हुआ है। तो इस वजह से बहुत इंटरेस्टिंग जीनस है कि इसमें सेल डिविजन बड़ा पिक्यूलियर टाइप का और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और एक सेल स्ट्रेच होके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जिसकी सेल्युलोज लेयर में ही ये सारे चेंजेस होते हैं और काइटिन और पैक्टिन की लेयर रेमिनेंट्स के फॉर्म में रहती है जो कि कैप का फॉर्म कैप की तरह से हमको दिखाई पड़ते हैं। तो ये सेल डिविजन है। इसके बाद हम इस जीनस में रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। हमने पहले डिस्कस किया है कि रिप्रोडक्शन के कई मेथड्स होते हैं एल्गी में, जिसमें कि वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसा आपको मालूम है कि सारे फिलामेंटस एल्गी में फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि ये फिलामेंट एक कई सारी सेल से मिलकर बना है, अगर किसी एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से या डिके की वजह से ये फिलामेंट कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दो में, चार में, आठ में, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, हर पार्ट में ये कैपेसिटी होती है कि वो फिर से होल्ड फास्ट डेवलप कर ले और नया प्लांट बना दे। तो वो नेचर में फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती रहती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसी भी समय कभी भी एक्सटर्नल इंजरी की वजह से फ्रेगमेंटेशन होता है। लेकिन सबसे कॉमन मेथड जो रिप्रोडक्शन का इसमें है ओडोगोनियम में वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में होता है। फेवरेबल कंडीशंस का मतलब है जब ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी नॉर्मल हो और मॉइस्चर कंटेंट सूटेबल हो, उस समय एल्गा हमेशा रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। लेकिन इस एल्गा में एक इंटरेस्टिंग फीचर क्या है, ये पूरा वेजिटेटिव सेल्स है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि सारी वेजिटेटिव सेल्स हैं, कोई भी कैप सेल प्रोवाइडेड उसमें डिविजन हो चुका हो, कैप सेल ही पार्टिसिपेट करती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये कई सारी कैप सेल आपको दिखाई पड़ रही हैं, इसमें से एक कैप सेल को हमने एग्जांपल के लिए लिया है। सपोज यही कैप सेल पार्टिसिपेट कर रही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दिस कैप सेल विल बिहेव एज ज़ूस्पोरेंजियम। ज़ूस्पोरेंजियम इसको हम कहेंगे क्योंकि इसमें अल्टीमेटली ज़ूस्पोर्स बनेंगे। तो ये ज़ूस्पोरेंजियम की तरह से एक्ट करती है और इसके अंदर चेंजेस शुरू होते हैं। इसके अंदर कैसे चेंजेस होते हैं, इसका जो सेल कंटेंट है, दैट इज सेल कंटेंट मींस इट्स क्लोरोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, न्यूक्लियस, पायरेनॉइड्स एटसेट्रा, ये सब इट रिसीड्स फ्रॉम द सेल वॉल। रिसीड्स माने सेल वॉल से हटके एक स्ट्रक्चर सेंटर में आ जाता है पूरा सेल कंटेंट और अल्टीमेटली ये एक ज़ूस्पोर बनाता है। ये एक शेप ले लेता है जिसका आगे का पोर्शन नैरो है, पीछे का ब्रॉड पोर्शन है, आगे का नैरो पोर्शन, पीछे का ब्रॉड पोर्शन, ये ज़ूस्पोर सिंगल ज़ूस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। सो द फिलामेंट एनी सेल ऑफ द फिलामेंट मे पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए ज़ूस्पोर एंड वन ज़ूस्पोरेंजियम विल गिव राइज टू ओनली वन ज़ूस्पोर। ये एक ज़ूस्पोर बना। अब इस ज़ूस्पोर में जब सेल कंटेंट रिसीड हो गया उसके बाद क्या चेंजेस होते हैं, एपाइकल पोर्शन से सारा सेल कंटेंट नीचे की तरफ आता है और एपाइकल पोर्शन एक हाईलाइन एरिया के फॉर्म में रह जाता है। हाईलाइन से मतलब है ये एम्प्टी पार्ट रहता है आगे की तरफ और इसके बेस में ब्लिफेरोप्लास्ट ग्रेन्यूल्स डेवलप होते हैं जिससे फ्लैजेला निकलते हैं। तो ये फाइनली स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई पड़ता है ज़ूस्पोर का, दिस इज मल्टीफ्लैजेलेट यूनिन्यूक्लिएट ज़ूस्पोर एंड फ्रॉम वन ज़ूस्पोरेंजियम ओनली वन ज़ूस्पोर इज प्रोड्यूस्ड विच इज यूनिन्यूक्लिएट एंड मल्टीफ्लैजेलेट।
इनका लिबरेशन भी जब ये मेच्योर हो जाते हैं दे एग्जर्ट ए प्रेशर ज़ूस्पोरेंजियम में, और जो इसका कैप सेल है इसके ऊपर का जो कैप वाला पार्ट है वो ढक्कन की तरह से खुल जाता है, लिड की तरह से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई बस्ट नहीं होता है बल्कि अपर पार्ट इसके ऊपर वाला पोर्शन एक लिड की तरह से ओपन हो जाता है और ये ज़ूस्पोर लिबरेट होके बाहर आता है म्यूसिलेज के साथ। म्यूसिलेज के साथ ये बाहर आने के बाद क्योंकि इसमें फ्लैजेला है इट मूव्स विद द वॉटर करेंट्स, पानी के साथ ये मूव करता है क्योंकि ये ग्रो ही ऐसी जगह पर करता है जहां पानी होगा। उसके थ्रू ये पानी के थ्रू किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम में आएगा और अपने पॉइंटेड एपिकल पोर्शन से ये अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद इसके जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है या फ्लैजेला है ये इसको किसी सबस्ट्रेटम में अटैच होने के लिए मदद करते हैं, और फाइनली जब ये ठीक से अटैच हो जाता है तो ये फ्लैजेला धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो ज़ूस्पोर है ये इलोंगेट कर जाता है और ये इस तरह से एक के बाद दो, दो से तीन, दो से चार, पांच इस तरह से डिवाइड होके इसकी पूरा एक फिलामेंट, नया फिलामेंट बना देता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेचर में जब तक फेवरेबल कंडीशंस होती हैं उस समय ये एल्गा हमेशा ज़ूस्पोर प्रोड्यूस करता है, और एक ही ज़ूस्पोरेंजियम नहीं एक फिलामेंट की कई सारी सेल्स ज़ूस्पोरेंजिया की तरह से एक्ट कर सकती हैं। और आपको ये याद रखना है कि एक फिलामेंट नहीं है नेचर में, कई सारे फिलामेंट, तो ये प्रोसेस कई सारे फिलामेंट्स में हो रही, एक फिलामेंट के अंदर कई सारे ज़ूस्पोरेंजिया बन रहे हैं, हर ज़ूस्पोरेंजियम से एक ज़ूस्पोर बन रहा है और वो ज़ूस्पोर फिर से एक नया फिलामेंट बनाता है। तो इस तरह से मदद करता है इस एल्गा के परपिचुएशन में, इसके नंबर बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये फेवरेबल कंडीशन में और किसी तरह का रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशंस खत्म हो जाती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो कई बार एल्गा में एकाइनिड्स बनते हैं। एकाइनिड्स के बारे में पहले हमने डिस्कस किया है। एकाइनिड्स क्या है? थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, फिलामेंट जो है छोटे छोटे थिक वॉल्ड सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। ये फिलामेंट की जो सेल्स हैं ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स में डेवलप हो जाती हैं जिनको हम एकाइनिड्स कहते हैं। अगर हम इनको माइन्यूटली देखें तो ये थिक वॉल्ड जो एकाइनिड्स हैं, हर फिलामेंट की जो सेल्स हैं जो जिन्होंने थिक वॉल सिक्रीट कर ली है, ये उनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल अबंडेंटली प्रेजेंट होता है, काफी ज्यादा मात्रा में होता है, और ये इसी कंडीशन में तब तक रहते हैं जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आ जाती। फेवरेबल कंडीशंस आने पर हर एकाइनिड एक दूसरे से अलग होके नया प्लांट फिर से बना देता है। तो यहाँ पर भी एकाइनिड्स भी मदद करते हैं, लेकिन ये हमेशा थोड़ी अनफेवरेबल कंडीशंस में ही प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद जो मेथड है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होने के बाद जब एनवायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एल्गा में इतना विगर नहीं होता कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ज़ूस्पोर बना सके। इसलिए एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन दिस जीनस और एनी एल्गी दे रिप्रोड्यूस बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओडोगोनियम के केस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है कि इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनका डेवलपमेंट, दो तरह की स्पीसीज इसमें पाई जाती हैं जिसमें कि फीमेल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट दोनों में सिमिलर है, एक ही जैसा है, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या मेल स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट के बेस पर हमने ओडोगोनियम को दो स्पीसीज में डिवाइड किया है। एक स्पीसीज है मैक्रेंड्रस स्पीसीज, वन इज मैक्रेंड्रस स्पीसीज, द अदर इज नैनेंड्रस स्पीसीज। मैक्रेंड्रस स्पीसीज में जो मेल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो नॉर्मल फिलामेंट्स में ही बनते हैं, जबकि नैनेंड्रस स्पीसीज में जो मेल स्ट्रक्चर्स हैं वो ड्वार्फ फिलामेंट्स में बनते हैं। ड्वार्फ मींस छोटे से फिलामेंट्स के अंदर बनते हैं। वो कैसे डेवलप होते हैं उसके बारे में अभी हम जिक्र करेंगे। उससे पहले मैक्रेंड्रस स्पीसीज में किस तरह से मेल स्ट्रक्चर्स बनते हैं ये हमें देखना है।
तो मेल स्ट्रक्चर्स इसके केस में नॉर्मल फिलामेंट में जिसमें कि ज़ूस्पोर्स बन रहे थे, ज़ूस्पोरेंजिया, अब ज़ूस्पोरेंजिया नहीं बना के इसमें एंथ्रिडिया बनाती, वो उसी तरह की सेल्स जो होती हैं जो ज़ूस्पोरेंजिया अभी तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बना रही थी, वो ज़ूस्पोरेंजिया की तरह से एक्ट नहीं करके एंथ्रिडिया की तरह से एक्ट करेंगी। लेकिन एंथ्रिडिया बनने से पहले कोई भी सेल, फिलामेंट की कोई भी सेल पार्टिसिपेट करती है एंथ्रिडिया फॉर्मेशन में, और ये सेल जो पार्टिसिपेट करेगी, एक का एग्जाम्पल लेके हम यहाँ डिस्कस करेंगे, सपोज ये सेल एंथ्रिडिया बनाएगी तो इसको हम कहते हैं एंथ्रिडियल मदर सेल, जिसको एक सिंगल सेल के फॉर्म में यहाँ पर दिखाया गया है, ये इसको हम कहते हैं एंथ्रिडियल मदर सेल। ये पहले एंथ्रिडियल मदर सेल फर्स्ट डिविजन इसमें इस तरह से होता है कि ये दो सेल में डिवाइड हो जाती है, अपर सेल और लोअर स्टॉक सेल। और जो लोअर सेल है, अपर सेल को हम एंथ्रिडियम कहते हैं, लोअर सेल जो स्टॉक सेल है ये लगातार वर्टिकल डिविजन होके इसमें ट्रांसवर्स डिविजन होके इसमें कई सारे सेल्स में ये डिवाइड हो जाती है, जिनका नंबर 4 से लेके 40 तक हो सकता है। तो हर बार जब डिविजन होगा तो कैप लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें बन जाएंगे और 4 से लेके 40 सेल्स इसमें डेवलप हो जाती है। ये 4 से 40 सेल्स जो हैं, 4 भी हो सकती हैं, मैक्सिमम 40 तक हो सकती हैं, इनको हम एंथ्रिडिया कहते हैं। एंथ्रिडिया ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कई सारी एंथ्रिडिया आप डेवलप हो गई हैं इस एंथ्रिडियल मदर सेल से। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में आ जाता है और डिवाइड करता है माइटोटिकली इंटू 2, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, दोनों में क्रोमोसोम नंबर वही होता है जो पेरेंट सेल में है। 2 में डिवाइड हो गया, 2 में डिवाइड होने के बाद हर न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया और इसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंथ्रोजॉइट्स में। एंथ्रोजॉइट्स उसी तरह से हैं जो कि ज़ूस्पोर्स की तरह इनका स्ट्रक्चर है, लेकिन ये साइज में छोटे होते हैं। तो आइडिया क्या है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उस समय ज़ूस्पोर्स न बनके छोटे साइज के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिनको हम एंथ्रोजॉइट्स बनते हैं कहते हैं। एंथ्रोजॉइट्स एंथ्रिडिया के अंदर बनते हैं, जिनका नंबर 4 से लेके 40 तक होता है और इनका लिबरेशन उसी तरह से होता है जैसे कि ज़ूस्पोर्स का लिबरेशन होता है। ये इसके ऊपर का हिस्सा लिड की तरह से खुल जाएगा और हर एंथ्रिडियम से दोनों एंथ्रोजॉइट्स बाहर लिबरेट कर जाएंगे। यही प्रोसेस सारे के सारे एंथ्रिडिया के अंदर होती है और बाहर आके ये एंथ्रोजॉइट्स वाटर में स्विम करते हैं एंड दे रिमेन इन सर्च ऑफ फीमेल स्ट्रक्चर्स। जब तक ये चेंजेस उन सेल्स में होते हैं जो कि मेल स्ट्रक्चर्स बना रही हैं, इसी तरह के चेंजेस फीमेल स्ट्रक्चर्स में भी होते हैं। स्पीसीज मोनोशियस होती हैं या डायोशियस। मोनोशियस का मतलब क्या है कि एक फिलामेंट में कुछ सेल्स एंथ्रिडियल मदर सेल की तरह से एक्ट करेंगी, कुछ सेल्स ओगोनियल मदर सेल्स की तरह से एक्ट करेंगी। मतलब है कि एक फिलामेंट के अंदर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स एक ही फिलामेंट में भी बन सकते हैं, तो ऐसी स्पीसीज को हम मोनोशियस कहते हैं। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी हैं कि जिसमें एक फिलामेंट सिर्फ मेल स्ट्रक्चर्स बनाएगा, दैट मींस इट विल गिव राइज टू एंथ्रिडियल मदर सेल एंथ्रिडिया एंड देन एंथ्रोजॉइट्स। और दूसरे फिलामेंट्स जो हैं वो सिर्फ फीमेल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, दे विल गिव राइज टू ओगोनियल मदर सेल एंड ओगोनिया। तो कहने का मतलब है कि इसमें रिप्रोडक्शन बहुत हाई एडवांस टाइप का होता है जो कि होता है थ्रू ओगोनियम। ओगोनियम कैसे बनता है, जिस तरह से आपने देखा कि फिलामेंट की कुछ सेल्स ने एंथ्रिडियल मदर सेल की तरह से बिहेव किया, इसमें उन फिलामेंट्स में या एक ही फिलामेंट में जो सेल्स ओगोनिया बनाएंगी वो ओगोनियल मदर सेल की तरह से एक्ट करेगी। और ये ओगोनियल मदर सेल पहला डिविजन इसमें ये 2 में डिवाइड हो जाती है, इसमें ट्रांसवर्स डिविजन होगा, 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। नीचे वाली सेल को हम सपोर्टिंग सेल कहते हैं और इसके ऊपर वाली सेल जो एकदम स्वेल अप कर जाती है, जिसमें जो कि सोलन स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाई पड़ती है, इसको हम ओगोनियम कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ओगोनियल मदर सेल गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स, लोअर सेल इज कॉल्ड सपोर्टिंग सेल, अपर सेल इज नोन एज ओगोनियम। एंड ओगोनियम में कोई चेंजेस नहीं होते एक्सेप्ट कि इसका जो सेल कंटेंट है वो डार्क
फॉर्म में सेंटर में आ जाता है, बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है। इसके एक पार्ट में कुछ हाईलाइन एरिया डेवलप हो जाता है जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए मदद करता है। इसको हम रिसेप्टिव स्पॉट कहते हैं, जिसके थ्रू एंथ्रोजॉइट्स जो बन गए हैं वो पानी की करंट के साथ यहाँ तक आते हैं और फर्टिलाइजेशन में ये रिसेप्टिव स्पॉट मदद करता है, इसके थ्रू ये पेनिट्रेट होते हैं। तो ये ऊगोनियम बना है, इसके नीचे ये सपोर्टिंग सेल है, इसके अंदर के पोर्शन को जो डार्क पोर्शन है इसको हम कहते हैं एग या ओवम। तो ऊगोनियम के अंदर एग या ओवम है। अब इसके बाद हम मैकेंडस स्पीसीज के केस में देख रहे हैं कि नॉर्मल फिलामेंट से सिर्फ एंथ्रिडिया बने, एंथ्रिडिया से एंथ्रोजॉइट्स बने और एंथ्रोजॉइट्स मैकेंडस स्पीसीज में वाटर में स्विम करके इस ऊगोनियम के पास पहुंचते हैं और यहां पर रिसेप्टिव स्पॉट के थ्रू इनका पेनिट्रेशन होता है एंड प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी टेक्स प्लेस। प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी हमने पहले डिस्कस किया है। प्लाज्मोगेमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ एंथ्रोजॉइड विद दिस एग न्यूक्लियस एंड कैरियोगेमी मींस द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। तो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बाद ये ऊगोनियम के ही अंदर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है। इसका जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस था ये अब कैरियोगेमी के बाद डिप्लॉइड हो गया और ये ऊगोनियम वाला स्ट्रक्चर ही डिप्लॉइड बन जाता है जिसको हम ऊस्पोर कहते हैं। ऊस्पोर जब थिक वॉल्ड इसमें इसकी जो वॉल है वो थिक होने लगती है और एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में डेवलप होता है। जब ये मैच्योर होता है तो ये डिप्लॉइड ऊस्पोर लिबरेट करता है, इसकी वॉल के रप्चर होने से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद दिस थिक वॉल्ड ऊस्पोर रिमेन्स डोमेंट फॉर सम टाइम। डोमेंट का मतलब है जब तक एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल नहीं होंगी ये इसी स्टेज में रहेगा। उसके बाद इसमें पहला डिवीजन, बिकॉज द न्यूक्लियस इज डिप्लॉइड सो द फर्स्ट डिवीजन इज रिडक्शन डिवीजन और मियोसिस। मियोसिस होने से चार हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए। ईच हैप्लॉइड न्यूक्लियस विद सम प्रोटोप्लाज्म चेंजेस इनटू अ ज़ूस्पोर। तो इस मैकेंडस स्पीसीज में आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऊस्पोर प्रोडक्शन के बाद, फॉर्मेशन के बाद जो जर्मिनेशन होता है ऊस्पोर का, दैट इज बाय ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूसिंग ज़ूस्पोर्स। मियोसिस के बाद चार ज़ूस्पोर्स बन गए। ये ज़ूस्पोर्स दे व्हेन दे आर मैच्योर दे एक्सर्ट ए प्रेशर एंड द वॉल ऑफ दिस ऊस्पोर रप्चर्स, दीज ज़ूस्पोर्स दे कम आउट और वो दे रिमेन इन सर्च ऑफ सम सूटेबल सबस्ट्रेटम। उस सबस्ट्रेटम में आके ये अपने को एंटीरियर पार्ट पॉइंटेड पार्ट से अटैच करते हैं और उसी तरह से इलोंगेशन से एक नया फिलामेंट बन जाता है। तो ये तो साइकिल आप देख रहे हैं ये मैकेंडस स्पीसीज में, जिसमें कि नॉर्मल मेल स्ट्रक्चर्स एंड नॉर्मल फीमेल स्ट्रक्चर्स बने। लेकिन अगर हम मैकेंडस स्पीसीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीसीज है ऊगोनियम की, उसमें देखेंगे उसमें फीमेल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि मैकेंडस स्पीसीज में। ऊगोनियल मदर सेल डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, लोअर सेल इज कॉल्ड सपोर्टिंग सेल, अपर सेल इज नोन एज ऊगोनियम जो कि स्वेल अप होके राउंड हो जाती है। लेकिन मेल स्ट्रक्चर्स में इसमें चेंजेस हैं। मेल स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि फिलामेंट की कुछ सेल्स दे एक्ट एज एंड्रोस्पोरेंजियल मदर सेल, नॉट एंथ्रिडियल मदर सेल, एंड्रोस्पोरेंजियल मदर सेल। एंड्रोस्पोरेंजियल मदर सेल इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट एंथ्रिडियल नहीं बनाती है, ये सबसे पहले एक दूसरे तरह के स्पोर्स बनाती है जिनको एंड्रोस्पोर्स कहते हैं। तो ये एंड्रोस्पोरेंजियल मदर सेल है, इसमें लगातार डिवीजन होते चले जाएंगे। डिवीजन होने से जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, एक सेल कई सारी सेल्स में डिवाइड हो गई, इनको हम एंड्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। इसके केस में हमने कहा था एंथ्रिडिया बन रहे थे, यहां पर एंड्रोस्पोरेंजिया बनते हैं एंड ईच एंड्रोस्पोरेंजियम विल गिव राइज टू आइदर वन और टू एंड्रोस्पोर। इसका न्यूक्लियस अगर दो में डिवाइड हो गया तो दो एंड्रोस्पोर्स हर एंड्रोस्पोरेंजियम से बनेंगे। किसी किसी स्पीसीज में ये डिवाइड नहीं करता है, सिंगल एंड्रोस्पोर एक एंड्रोस्पोरेंजियम से बनता है। तो इनका भी लिबरेशन उसी तरह से है कि लिड ऊपर की तरफ, जब मैच्योर हो गए लिड ऊपर की तरफ खुल गई और ये एंड्रोस्पोर बाहर आके वाटर में स्विम करते हैं। दीज एंड्रोस्पोर्स दे आर सिमिलर टू एंथ्रोजॉइट्स बट दे आर स्लाइटली बिगर
कंपेयर टू एंथ्रोजॉइड्स. एंथ्रोजॉइड से साइज में ये बड़े हैं और ये एंड्रोस्पोर्स दे रिमेन इन सर्च ऑफ अगेन फीमेल स्ट्रक्चर. अब ये एंड्रोस्पोर एक एक्स्ट्रा इसमें स्पोर्स बन गए जो कि फीमेल स्ट्रक्चर की तलाश में रहते हैं और अल्टीमेटली ये फीमेल स्ट्रक्चर के पास आके ये अटैच करते हैं अपने को आइदर ऑन द वॉल ऑफ ओगोनियम और ऑन द सपोर्टिंग सेल. यहाँ पर ये एंड्रोस्पोर यहाँ पर देखा है आपने सपोर्टिंग सेल में अपने को अटैच कर रहा है. इस सपोर्टिंग सेल में अटैच करने के बाद आपने एक इलोंगेटेड फिलामेंट दिखाई पड़ रहा है आपको. ये इलोंगेट हो जाता है और एक छोटा सा फिलामेंट थ्री सेल्ड फिलामेंट बनाता है और ये थ्री सेल्ड फिलामेंट कहाँ बन रहा है सपोर्टिंग सेल के ऊपर. किसी किसी स्पीसीज में सपोर्टिंग सेल में नहीं अटैच होता है बल्कि ओगोनियम की वॉल में भी अटैच हो सकता है और एक तीन सेल का एक छोटा सा फिलामेंट बनाता है जिसको हम कहते हैं ड्वार्फ मेल फिलामेंट और कॉमनली नोन एज नेनेंड्रियम. इसको हम नेनेंड्रियम इसीलिए इसका नाम नेनेंड्रस स्पीसीज है. इसका कहने का मतलब क्या है ये नेनेंड्रियम ही वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अब एंथ्रिडिया बनेंगे. यहाँ पर डायरेक्ट एंथ्रिडिया बन रहे थे यहाँ एंड्रोस्पोर्स बना रहे हैं जर्मिनेट करके नेनेंड्रियम ड्वार्फ मेल फिलामेंट. ये ड्वार्फ मेल फिलामेंट जब इलोंगेट हो जाएगा इसकी कुछ सेल्स के अंदर डिविजन होता है और ये इट विल गिव राइज टू एंथ्रिडिया एंड ईच एंथ्रिडियम विल गिव राइज टू एंथ्रोजॉइट्स. तो कहने का मतलब क्या डिफरेंस आपने देखा इसके केस में मैकेंडस में आपने देखा डायरेक्ट एंथ्रिडिया बन गए फिलामेंट से. इसके केस में एंड्रोस्पोर्स ने जर्मिनेट करके ड्वार्फ मेल फिलामेंट बनाए. ड्वार्फ मेल फिलामेंट जिनको हम नेनेंड्रियम कहते हैं दे विल गिव राइज टू एंथ्रिडिया एंड एंथ्रोजॉइट्स. ये एंथ्रोजॉइट्स अब फीमेल स्ट्रक्चर में आके इसको फर्टिलाइज करेंगे. फर्टिलाइज करने के बाद ओगोनियम के अंदर एग को फर्टिलाइज करेंगे. इसको फर्टिलाइज करने के बाद बाकी प्रोसेस बिल्कुल मैकेंड्रस स्पीसीज की तरह से है. जो डिप्लॉइड ओस्पोर बना डिप्लॉइड ओस्पोर विल गिव राइज टू इट विल लिबरेट इट विल गिव राइज टू ज़ूस्पोर्स आफ्टर मियोसिस एंड फाइनली न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड. सो द आइडिया इज दैट इन ओडोगोनियम the interesting feature is that it consists of two types of species on the basis of production of male structures Macrindus and Nanendrus and they are slightly different from each other though the development of female structure is the same in both the species. ab hum ye dekhna hai ki agar iske case mein bhi Nanendrus species mein bhi filament ke andar एंड्रोस्पोरेंजिया भी उसी फिलामेंट में बन रहे हैं और फीमेल स्ट्रक्चर्स भी उसी फिलामेंट में बन रहे हैं मोनोशियस है. तो ऐसे में मोनोशियस स्पीसीज अगर एंड्रोस्पोर्स बन रहे हैं और ओगोनियम भी बन रहा है तो उसको हम कहते हैं गाइनेंड्रो एंड्रोस्पोरस. और अगर ये एक फिलामेंट सिर्फ एंड्रोस्पोर बना रहा है दूसरा फिलामेंट सिर्फ फीमेल स्ट्रक्चर बना रहा है तो हम ऐसे फिलामेंट्स को कहते हैं आइडियो एंड्रोस्पोरस. तो ये टर्म्स हैं जो थोड़े अभी सुनने में आपको डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन ये डिफरेंस होने की वजह से हमने इस जीनस को चूज किया कि ताकि इसको आप डायग्राम के थ्रू देख के थोड़ा समझ लेंगे कि किस तरह से नेनेंड्रियम बनता है नेनेंड्रियम का रोल क्या है इसकी लाइफ साइकिल में जिसकी जिसका रोल है एंथ्रोजॉइट्स बनाना और अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन इसमें एंथ्रोजॉइट्स के फर्टिलाइज ओगोनियम के फर्टिलाइजेशन से होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट